हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव और आज हम करेंगे रिव्यू। हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव और आज के बियर थर्सडे में हम करेंगे रिव्यू एक क्राफ्ट बियर का, वाइट आउल डियाब्लो। आई नो हेवर्ट्स, गॉडफादर, सबके रिव्यू पेंडिंग है। डोंट वरी, कर देंगे, जैसे ठेके खुलेंगे उनके रिव्यू भी कर देंगे। अभी फिलहाल जो स्टॉक में है उसी का रिव्यू कर देते हैं। और इस बियर को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज दिस इज़ एन आयरिश रेड एल। थैंक्स टू सम ऑफ द न्यू ब्रांड्स हमें कुछ नई तरह की बियर्स ट्राई करने को मिल रही हैं। लाइट एंड स्ट्रॉन्ग लागर से हटके कुछ नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि वीट बियर, स्टाउट बियर, IPA एंड दिस आयरिश रेड एल। एक रेड एल में जो मॉल्ट होता है उसे हल्का सा रोस्ट किया जाता है, नॉट एज मच एज स्टाउट बियर। और उस रोस्ट की वजह से जो मॉल्ट की स्वीटनेस है वो बाहर निकल कर आती है और जो बिटरनेस होती है स्टाउट की वो नहीं आती। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस बियर टू बी स्लाइटली स्वीट। ऑनेस्टली मैंने कभी एक आयरिश रेड एल ट्राई नहीं करी है, बट आई हैव ट्राइड एम्बर एल्स एंड आई एम होपिंग कि उसका जो टेस्ट होगा वो उनसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा। अल्कोहल परसेंटेज इसकी 4-5%, तो एक लाइट बियर में आती है ये। एंड देर आर नो एडजंक्ट्स इन दिस बियर, सिर्फ मॉल्टेड बार्ले, यीस्ट, हॉप्स, यही चीज़ें यूज हुई हैं इसमें। ऑफकोर्स पानी भी यूज हुआ है। सो इट्स डेफिनेटली क्वाइट प्रॉमिसिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्टिंग दिस बियर। आई एम नॉट रियली श्योर कि ये बियर कब लॉन्च हुई है और कहाँ कहाँ अवेलेबल है बिकॉज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इसके बारे में। इनफैक्ट इनकी जो वेबसाइट है वो भी अभी बनी नहीं है पूरी तरह से, बट आई थिंक समवेयर अराउंड 2019 में लॉन्च हुई है। और प्राइस है इसका ₹130 फॉर द पाइंट, जो कि आई थिंक एक बुरा प्राइस नहीं है कंसिडरिंग कि आपको कुछ नया ट्राई करने को मिल रहा है, अ टाइप ऑफ बियर जो शायद आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। जो सेम ओल्ड पे हम लोग अटक जाते हैं वो नहीं होना चाहिए, नया नया ट्राई करते रहना चाहिए लाइफ में और उसी से हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारा जो होराइज़न है वो बढ़ता है। सो चलिए ट्राई करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि कैसी लगती है मुझे ये बियर। इस बियर के साथ मुझे ये बीकर मिला था तो इसी में ट्राई करते हैं और पोर करते हैं। Definitely very dark in color, almost like a stout, but halki si light as stout se. There is definitely a good amount of froth, jo ki bahut jaldi gayab nahi ho raha hai, abhi tak bana hua hai. And I'm getting quite sweet aroma. Not a lot of citrus, जो normally एक beer से आता है। There is a lot of sweetness, almost like sugar cane juice. चलिए taste करके देखते हैं। There is a good amount of sweetness in this beer. Lots and lots of caramel. A bit of maple syrup, hops का जो टेस्ट है, जो hops एक beer में bitterness लेकर आता है वो इसकी sweetness के साथ बहुत अच्छा balance लेकर आ रही है। And I'm definitely quite enjoying this beer. It is quite refreshing. जो एक stout beer के characters होते हैं वो कुछ हद तक है इसमें, जो coffee के characters होते हैं, वेरी सिमिलर टू दैट कॉफ़ी बाइट टॉफी जो होती है, वैसा टेस्ट है हल्का हल्का। जो अल्कोहल का पंच होता है, जो अल्कोहल की बाइट होती है वो बिल्कुल ना के बराबर है इसमें, आप वो फील नहीं करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि एक अल्कोहलिक बियर है। टेस्ट रियली स्मूथ एंड रियली रिफ्रेशिंग एंड आई एम डेफिनेटली एंजॉइंग दिस बियर। आई एम नॉट श्योर कि हर किसी को पसंद आएगी बिकॉज एक ऐसी बियर है जो शायद कई लोगों ने ट्राई नहीं करी होगी और जब पहली बार आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हो तो आपको पसंद नहीं आती, तो दो तीन बार चांस देना चाहिए नई चीज़ को क्योंकि आपका पैलेट यूज टू नहीं होता उस टेस्ट के। सो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि आप इसे ट्राई करिए और एक बार नहीं, दो तीन बार ट्राई करिए सो दैट यू कैन गेट टू नो वेदर यू लाइक इट और नॉट। एक लाइट बॉडीड बियर है, स्लाइटली ऑन द स्वीटेस्ट साइड, सो आई वुड सजेस्ट
यू कैन हैव सम ग्रिल्ड फूड विद दिस, नॉट टू स्पाइसी बट कोई भी अच्छा टेस्ट करने वाला ग्रिल फूड अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएगा इस बियर के साथ. इनफैक्ट दिस इज काइंड ऑफ अ बियर विच यू कैन हैव यू नो इवन आफ्टर फूड, क्योंकि इसकी जो स्वीटनेस है इतना से आपको एक डेजर्ट की तरह आपको फील कराएगी. सो एज फार एज स्कोरिंग इज कंसर्न, आई थिंक टेस्ट के मामले में बहुत अच्छी बियर है. मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके आसपास अवेलेबल है तो इसे ट्राई करिए, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. सो आई विल गिव इट 9.2 out of 10. और अगर मैं बात करूँ वैल्यू फॉर मनी की, आई थिंक 130 एक बहुत अच्छा प्राइस है इस बियर के लिए. इट्स नॉट अ रेगुलर काइंड ऑफ बियर जो आपको कहीं से भी मिल जाएगी. इट्स अ बियर विच यू माइट नॉट हैव ट्राइड. It tastes really good and 130 rupees एक बहुत अच्छा प्राइस है. सो आई विल गिव इट 9.6 फॉर वैल्यू फॉर मनी. तो इसका MB's Man Cave स्कोर होता है 9.4 out of 10. तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो White Owl Diablo के ऊपर. कैसा लगा है आपको बताइए कमेंट्स में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers.